हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बूटस्ट्रैप के साइजिंग के बारे में, कैसे हम बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। यह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली क्या होता है, बूटस्ट्रैप में चार ही साइजिंग दिए गए हैं, 20%, 50%, 75% और 100%, और कि हम कैसे जो हमारा एक एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन चार ही पार्ट्स में हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, 25%, 50%, 70% और 100%। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ड्यू टैग को आपको थोड़ा कम ज़्यादा करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ड्यू टैग ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले उस ड्यू टैग का क्लास में कंटेनर कर दूंगा, जैसे कि दोनों साइड से सेम मार्जिन छूट जाएगी, ठीक है। उसको मार्जिन टॉप मैं 5 दे देता हूँ, MT 5 कर दूंगा, ठीक है। ऊपर से 5 मार्जिन छूट जाएगा उसका। ये हम उसका पहले आउटपुट ओपन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक डिव टैग लूँगा और उसे मैं क्लास दूंगा, उसका मैं बैकग्राउंड सक्सेस कर लेता हूँ, बीच ही सक्सेस कर लूँगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, विड्थ 25, 25% कर लूँगा, ठीक है। अब हम आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका जो विड्थ है ये पूरे के पूरा ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर उसे अभी विड्थ कुछ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, अब उसे कुछ पैडिंग दे देता हूँ, जैसे कि ये कुछ आउटपुट हमारा अच्छे से दिखे। और उसको देने के बाद उसका टेक्स्ट वाइज कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा टेक्स्ट हाँ उस पर अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। देख लिया। और अब हम इसे विड्थ अप्लाई करेंगे। पहले हम उसे विड्थ अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि W25, जो मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर सिर्फ ये देखिए W जैसे मैंने लिखा, वागर 25, 50, 75 और 100, ऐसे चार ही विड्थ हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप में डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको कुछ अलग विड्थ सेट करने हैं तो आपको इसके अंदर डिफॉल्ट आपकी स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी विड्थ अब उस कंटेनर के 25% हो चुकी है। हम ऐसे ही डीयू लेंगे, हम उसे कुछ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 1 कर लेंगे, जैसे कि सभी साइड से उसको मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो विड्थ है इसकी 50 कर लेंगे, इसके नीचे की विड्थ जो है वो 75 करेंगे, 75% हो जाएगी, और ये 100%, यानी कि ये पूरे का पूरा विड्थ इसका हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी विड्थ 25 है, इसकी विड्थ जो है वो 50 है, इसकी विड्थ जो है वो 100 है, सॉरी 75 है, और इसके नीचे की जो विड्थ है वो 100% है। देखिए ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इसे विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, जैसे कि हाइट और विड्थ अलग आपको दिखाई दे। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, क्लास में टेक सेंटर दूंगा, जैसे कि विड्थ लूंगा बूटस्ट्रैप, विड्थ यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप विड्थ, विड्थ का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का विड्थ आ चुका है, जो आपने देखा बूटस्ट्रैप का विड्थ मैंने आपको एक वन बाय वन सेट करके दिखाया। अब हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के हाइट के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्यू टैग लेंगे, ड्यू टैग लेंगे, उसे क्लास कंटेनर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्लास कंटेनर अप्लाई कर दिया, उसके अंदर हम एक और ड्यू टैग लेंगे, जिसको हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे, जैसे कि हाइट मैं दूंगा उसकी 300 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसे बॉर्डर अप्लाई करूँगा, बॉर्डर मैं दूंगा ये इनलाइन सीएसएस से जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 पिक्सल सॉलिड
और उसका मैं कलर कर लूँगा ब्लैक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यह ड्यू टैग आ चुका है। अब हम देखेंगे कैसे हम इसके अंदर हाइट को देखेंगे। हाइट टैग देखने के लिए हम चार ड्यू लेंगे और उसे हम डिस्प्ले इनलाइन कर लेंगे। डिस्प्ले इनलाइन के लिए भी बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लास दिया गया है। ठीक है, हम उसे कुछ कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को, पहले बीजी ऑर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, बीजी ऑर्निंग कर लिया और उसके उसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट 25%। ठीक है, हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ड्यू कंटेनर। ठीक है, यह ड्यू हमें इस ड्यू के अंदर लिखना है। ड्यू के अंदर लिखना है, देखिए यहाँ पर हाइट 25 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ स्टाइलिंग करेंगे, टेक्स्ट व्हाइट कर लेते हैं, उसे कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 3 दे देते हैं। ठीक है, और उसे हम डिस्प्ले इनलाइन लॉक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होगा, उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के लिए ये इनबिल्ट क्लास है जो दिया गया है। देखिए तो क्या हुआ, एक ब्लॉक अप्लाई हो चुका है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो चुका है, जैसे कि वो इसके कंटेंट की जितनी ही विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो जो अब आप देखिए अपने अब आपने देखा कि 25% हाइट हम कैसे करेंगे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 50% हाइट हम कैसे करेंगे। 50, 75 और 100। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइट के लिए H25 एलिमेंट देना होता है दोस्तों, ये क्लास देना होता है। ठीक है, जैसे कि यह इसकी हाइट अब 25% हो चुकी है। देखिए इसकी हाइट 25%, इस बॉक्स के 25% आ चुके हैं। इसे हमने इन ड्यू को कोई भी हाइट अप्लाई नहीं की है, तो इसे इन ड्यू को कोई भी हाइट नहीं आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे 50% अप्लाई करेंगे, हम H50 इस पर लिख लेते हैं। देखिए अब इसकी हाइट है जो 50% आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस ड्यू को हाइट 75% अप्लाई करेंगे। देखिए इसे 75% हाइट आ चुका है, हम यहाँ पर 75 लिखेंगे और यहाँ पर हम 100% इसकी हाइट दे देंगे। हाइट 100% दे दी। ठीक है, देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हमने हाइट को भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया है या इस बूटस्ट्रैप में, और हमने इसका क्लासेस को कैसे यूज़ किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बूटस्ट्रैप विड्थ और हाइट के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं, बूटस्ट्रैप हाइट हाइट्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप हाइट्स यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हाइट और विड्थ हमने लिख दिए। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, धन्यवाद।